हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा समाचार यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत। आज हम पशुपालन डिप्लोमा कोर्स एडमिशन जिसके आवेदन स्टार्ट हुए हैं, कल ही उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसे AHDP है ना, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम या फिर वेटनरी कोर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसके एडमिशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इसमें आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसके लिए कौन पात्र है, आयु सीमा क्या है, कौन से कॉलेज में आवेदन कर सकता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, प्रवेश प्रक्रिया किस तरह से रहेगी, एग्जाम होगा या फिर मेरिट आधार पर, यदि मेरिट निकलती है तो कौन से प्राप्तांक 10th या 12th किसके आधार पे मेरिट निकलेगी, यह सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा यदि आप वेटनरी कोर्स का फॉर्म भरना चाहते हैं तथा फॉर्म भरने की प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पे नेक्स्ट वीडियो वेटनरी फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो मिल जाएगी, तो आप वहां से देख के फॉर्म भी भर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है और कब से कर सकता है। 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा प्रोग्राम जो राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर है, राजूआस के नाम से जाना जाता है, RAJUVS.organization.org इसकी वेबसाइट है। 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश सूचना राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के संबंध राजकीय एवं निजी पशुपालन, जो राजकीय और निजी संस्थान है दोनों में आवेदन 2024-25 हेतु 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दिनांक 23 मई 2024 से ऑनलाइन आवेदन फॉरम आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन हेतु पात्रता योग्यता की शर्तें यह है। अब आवेदन फॉरम कैसे भरे जाएंगे, तो राजूआस की जो वेबसाइट है RAJUVS.org पर ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, ऑफलाइन फॉरम स्वीकार नहीं होगा। तो राजूआस की जो वेबसाइट है उस पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित वैधानिक एवं मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक यानी 10th+2 है ना, 12वीं क्लास, वो भी भौतिक रसायन में जीव विज्ञान या कृषि, यानी आपकी बायो या फिर एग्रीकल्चर होनी जरूरी है यदि आप पशुपालन डिप्लोमा करना चाहते हो तो, या कृषि संज्ञा विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है ना, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर जूलॉजी एंड एग्री बॉटनी, इसके अलावा जूलॉजी एंड बॉटनी एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है ना, आपको इन तीनों में से एक चाहिए, बायोलॉजी, एग्री बायोलॉजी या फिर एग्री जूलॉजी, इसके अलावा बोट, एग्री बॉटनी या जूलॉजी और बॉटनी, इन तीनों में से एक एक सब्जेक्ट आपको या जो ग्रुप है आपको चाहिए। प्रवेश इसी परीक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर होगा, यानी जो प्रवेश होगा वो आपकी 12th के जो प्राप्तांक है उनसे जो मेरिट निकलेगी उसके आधार पर प्रवेश होगा। किसी भी प्रकार का प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, आपके 12th के प्राप्तांकों के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। वैधानिक बोर्ड की सूची एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा समकक्षता निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है, भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, अन्य किसी अवैधानिक स्वयं या किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह या किसी ट्रस्ट या अन्य किसी भी आधार पर स्थापित बोर्ड मान्य नहीं होगा। यानी एक तो आप जो भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल है COBSE और एक आप जो RBSE अजमेर है वहां से 12th किए हुए हो तो ही आवेदन कर सकते हो। आयु की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु 31 दिसंबर 2024 को न्यूनतम 17 वर्ष, 31 दिसंबर 2024 को न्यूनतम 17 वर्ष, यानी आपके 2007 यहाँ पे जनवरी 2008 से पहले पहले की उम्र होनी चाहिए। सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही उस उद्देश्य के लिए प्रमाणिक माना जाएगा, यानी जो आपके 10th में है मार्कशीट उस आधार पर आप 31 दिसंबर 2024 को 17 वर्ष न्यूनतम, ठीक है। संस्थानों की संख्या, वर्तमान में विश्वविद्यालय संगठन संबंध प्राप्त सरकारी तथा निजी कुल 100 संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा, यानी 100 संस्थान है और पर संस्थान आप मिनिमम या फिर मैक्सिमम अपन 100 सीटें माने तो लगभग 10,000 सीटों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेशों के
अनुपालना में टांडिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर के संटक संस्थान श्री गंगानगर इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइंस तथा अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से संबंध अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस जयपुर को भी विश्वविद्यालय शर्तों को पूरा करने पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित काउंसलिंग सत्र 2024-25 के साथ सत्र आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा 100 तो जो संस्थान पहले से है, इसके अलावा दो संस्थान, एक गंगानगर का है और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर का एक संस्थान है जयपुर में, ठीक है। अब कैसे क्या प्रवेश दिया जाएगा, मेरिट जो क्राइटेरिया वो क्या है, तो राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जो राज्य कोटे की सीटें उसमें अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। प्रबंधन सीटों के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। प्रबंधन है ना, मैनेजमेंट सीटें प्रत्येक कॉलेज में 15% मैनेजमेंट सीटें है जो कॉलेज द्वारा आपने इस तरह से दी जाएगी। उसके लिए आप भारत में किसी भी राज्य के निवासी हो तो आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन जो राजस्थान की 85% सीटें उसमें राजस्थान के ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय से संबंध चार राज्य के पशुपालन संस्थान प्रत्येक संस्थान में 5 सीट पशुधन परिचर के पद पर कार्यरत विभागीय कर्मियों हेतु आरक्षित होगी। जो पशु परिचर की भर्ती आई थी पहले उसमें जो कार्यरत है तो 5 सीटें प्रत्येक संस्थान में, टोटल 4 राज्य संस्थान है, एक बीकानेर में, एक उदयपुर में, एक कोटा और एक कहीं और है, तो टोटल 4 संस्थान है उसमें प्रत्येक संस्थान में 5 सीटें, टोटल 20 सीटें पशु परिचर में जो अभी कार्यरत है उनके लिए है। विश्वविद्यालय द्वारा संबंध प्राप्त निजी संस्थानों में प्रबंधन कोटे की 15% सीट पर प्रवेश संबंधित संस्थान द्वारा दिया जाएगा, जिसके लिए संस्थान द्वारा पृथक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यानी जो निजी विद्यालय है उसका जो 15% है वो मैनेजमेंट के पास है, वो अपने स्तर पे देंगे, ठीक है। आरक्षण की बात करें तो अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु आरक्षण राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित नियमानुसार है उस हिसाब से देगा। SC ST OBC EWS और जनरल को जो राजस्थान में किस प्रकार से आरक्षण व्यवस्था है उस हिसाब से दिया जाएगा। अध्ययन का माध्यम तो हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में संचालित होगा, इसका निर्णय संस्थान द्वारा ही किया जाएगा। शिक्षण शुल्क की बात करें तो पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क संरचना वर्ष 23-24 की भांति पूर्ववत रहेगी। वार्षिक शिक्षण शुल्क एक किस्त में दे होगी, तो शिक्षण शुल्क लगभग 40,000 से शुरू होकर के 80,000 तक शिक्षण शुल्क है। 40,000 जो इनकी एनुअल फीस है। फिर आरक्षण के हिसाब से SC ST OBC जनरल गर्ल्स और बॉयज सबकी अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस है हमारे, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का समय अनावश्यक असुविधा से बचने के लिए संस्थान आवंटन के लिए बीकानेर में कोई व्यक्तिगत परामर्श की व्यवस्था नहीं है। संस्थान का आवंटन छात्र द्वारा आवेदन फॉर्म में दी गई संस्थान चयन वरीयता राज्य स्तरीय मेरिट एवं आरक्षण प्रावधानों के आधार पर कंप्यूटर कार्यक्रम का प्रयोग करते हुए किया जाएगा। यानी आपको फॉर्म भर लेना है और लिस्ट वो अपने स्तर पे आपने जिस प्रकार से कॉलेज भरी है तो उनकी वरीयता मेरिट के आधार पर, आपके प्राप्तांक है उनके आधार पर और आरक्षण को देखते हुए वो लिस्ट अपने आप निकालेंगे तथा आपको सूचित कर दिया जाएगा। आवेदन शुल्क, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की सभी आवेदक श्रेणियों का शुल्क 1500 रुपए। इस शुल्क में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है। सभी किसी भी कैटेगरी के गर्ल्स बॉयज SC ST OBC विडो PWD हैंडीकार्ड कोई भी हो आपको 1500 रुपए फीस देनी होगी। अन्य जानकारी के लिए इन्होंने वेबसाइट पर संबंधित जो भी हेल्पलाइन नंबर है 1800 1806224 पर संपर्क किया जा सकता है। आवेदन फॉर्म आवेदक को पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर आवेदन पत्र में समस्त योग्यता व अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति छाया प्रति कॉलेज आवंटन के बाद संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय सत्यापन हेतु जमा करवाने आवश्यक होंगे। यानी आपको फॉर्म भर के प्रिंट ले लेना है, ई मित्र वाले के पास ना छोड़े। इसके अलावा जो आपने उसमें जानकारी भरी है किस आधार पर भरी है तो वो सारे डॉक्यूमेंट है ना, इन्होंने का समस्त योग्यता व अन्य प्रमाण पत्र जैसे जाति मूल निवास है, यदि आप दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, विधवा कोई महिला है तो उनका हो विडो सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह, सो जो उनकी साया प्रति आप अपने पास सुरक्षित रखें आपको आवंटन के समय जमा करवानी होगी। अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम दिनांक 15/6/2024 15 जून है और शाम को 5 बजे तक ही है। पहली बात तो आप अंतिम तिथि का वेट ना करें, दूसरी बात यदि आपकी आदत है अंतिम तिथि तक जाने की तो 5 बजे का वेट ना करें। आप 12 बजे के भरोसे भी नहीं रहे, सुबह कोई फॉर्म भर ले
हो सके तो आज ही फॉर्म भर ले, ठीक है साथियों। आवेदन प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अंतिम दिनांक तक सुधार कर सकता है, अंतिम दिनांक के पश्चात आवेदन पत्र में सुधार नहीं किया जा सकेगा। यानी आज आप आवेदन पत्र भर दो, कोई गलती हो गई है तो आप 15 जून तक बिना किसी भी एक्स्ट्रा पेमेंट के सुधार कर सकते हो। 15 जून के बाद किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होगा और न ही आप दोबारा फॉर्म भर सकते हो, ठीक है साथियों। आवेदन फॉर्म को सावधानपूर्वक भरे तथा आवेदन पत्र में अपने पसंद के संस्थान के आगे दिए गए कॉलम में चयन में वरीयता भरे। जैसे राज्य के पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान जामडोली जयपुर को पहली वरीयता चयन करता है तो उस संस्थान के सामने कॉलम में 1 लिखे। इसी प्रकार अभ्यर्थी द्वारा अन्य संस्थानों के सामने चयन वरीयता क्रम 1 से 102 तक भरा जा सकता है। अभ्यर्थी जितनी भी चाहे अपने संस्थान चयन वरीयता भर सकता है। त्रुटिपूर्वक अधूरे भरे वार्षिक फीस के बिना तो अंतिम दिनांक के पश्चात आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन में गलत सूचना देने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये तो थी योग्यता और चयन प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया उनकी। अब हम बात करेंगे कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर ऑफ कंस्टिट्यूट एंड एफिलियटेड AHDP इंस्टीट्यूट ऑफ राजुवास, कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर, जिसकी फीस एनुअल फीस है 40,000। और फीस स्ट्रक्चर में रिफंडेबल की बात करें तो 1820 है, नॉन रिफंडेबल 9,880 ओबीसी एससी एसटी और गर्ल्स के लिए, 33,180 जनरल बॉयज के लिए। टोटल फीस है 51,700 जो जनरल बॉयज के अलावा, और जनरल बॉयज की है 75,000 जिसमें एनुअल फीस और फीस स्ट्रक्चर की जो प्रोग्रामिंग फीस है वो दोनों शामिल है। चौधरी चरण सिंह कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री अलवर 85,000, दीन बंधु शिक्षण संस्थान खेरलीगंज अलवर 40,000। तो इस तरह ये बहुत सारी कॉलेज है जिनकी अपनी अलग अलग फीस है, आप देख लेना जानकारी कितनी क्या फीस है, कौन सी कॉलेज अच्छी है, कौन सी कॉलेज ज्यादा फीस लेकर भी अच्छी पढ़ाई करवाती है, कौन सी कॉलेज कम फीस लेकर के पढ़ाई भी नहीं करवाती है। तो वो सारी चीजें आपको अपने स्तर पे देखनी है, उसके बाद ही आवेदन करना है। आप फीस कम देकर किसी कॉलेज में आवेदन कर ले फिर वो आपकी वहां क्लास भी ना लगे, तो उसके लिए भी आप पहले कॉलेज के बारे में जान ले, अपने आस पास जिन्होंने वेटरनरी कर रखी है उनसे भी जानकारी ले ले, ठीक है साथियों। ये मैं आपको लिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा तो आप वहां से देख सकते हो कौन कौन सी कॉलेज है, आप डायरेक्ट कॉलेज से भी कांटेक्ट कर सकते हो। सारी फीस इन्होंने दे रखी है, हम आगे और इनका जो सिलेबस है उनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि कॉलेज ज्यादा है उतनी चर्चा मुश्किल होगी, तो हम बाकी जो बचता है उसके बारे में। डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम AHDP, ये इनका इंफॉर्मेशन बुकलेट है जिसके बारे में हम ज्यादातर तो जानकारी ले चुके हैं, फिर भी हम इसके सिलेबस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, तो ये 2 साल का कोर्स है और 4 सेमेस्टर में आयोजित होगा, मैक्सिमम 4 इयर्स लग सकते हैं इसको कंप्लीट होने में। 6-6 महीने का सेमेस्टर है, 2 साल में कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम 4 साल ये कह रहे हैं, क्योंकि फिर आपकी इंटर्नशिप वगैरह आगे बढ़ सकती है, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों भी है, आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हो। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो प्रत्येक कॉलेज में 100 सीटें हैं, 50 सीट जो ईच इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट कॉलेज कोड नंबर, इन्होंने कोड नंबर दे रखा है, बाकी है जो 100 सीट है। तो कुछ है कॉलेज में 50 सीटें हैं, कुछ में 100 सीटें हैं। एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन तीनों में से, और या फिर आपको एग्रीकल्चर स्ट्रीम सब्जेक्ट है ना विथ बायो, एग्री बायो, एग्री जूलॉजी, एग्री बॉटनी, जूलॉजी एंड बॉटनी, इनमें से एक होने चाहिए। आप सीनियर सेकेंडरी पास होने चाहिए, इसमें अपीयरिंग इन्होंने कहीं नहीं लिखा है, तो जो 12th पास आउट है वो ही इसमें आवेदन कर सकता है, ठीक है। इन्होंने अपीयरिंग कहीं नहीं लिखा है कि जो 12th कर रहा है वर्तमान में वो भी आवेदन कर सकता है, ऐसा इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है साथियों। फीस स्ट्रक्चर की भी हम चर्चा कर चुके हैं, एडमिशन रूल्स वगैरह सारी। इसके अलावा मैं ये आपको जो PDF है वो आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन से, आप इसका जो सिलेबस है
इसके पेपर कौन कौन से हो गए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, वो पेपर भी आप वहां से देख लेंगे, क्योंकि अभी वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम की जानकारी देना था, बाकी एडमिशन होने के बाद जो प्रक्रिया है वो आप कॉलेज से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस अगले वीडियो में आ जाएगी। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।